डॉक्टर शिव प्रसाद कोस्टा भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उन्होंने देश के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को बनाया है। वे इस टीम के टेक्निकल ऑफिसर थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में आने वाली सभी मुश्किलों को बेहद ही सरलता से हल किया था। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के साथ भी 1988 से 1995 तक काम किया। इसके अलावा उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के साथ लगभग 20 साल तक काम किया था। आजीवन डॉक्टर कोस्टा कलाम साहब के संपर्क में रहे। डॉक्टर कोस्टा को आर्यभट्ट के लिए भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने पुरस्कृत किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल बायोग्राफिक सेंटर कैम्ब्रिज इंग्लैंड द्वारा भी उन्हें पुरस्कृत किया गया था, जिसमें उन्हें 2008 के सर्वश्रेष्ठ 100 इंजीनियरों में शामिल किया गया था। डॉक्टर कोस्टा ने कई शोध किए हैं। मैं जबलपुर शहर के एक वार्ड जिसे गढ़ा कहते हैं, वहां का रहने वाला हूं। एक निर्धन परिवार से निकला हूं और मैंने प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक गवर्नमेंट हाई स्कूल से पास किया है। मॉडल हाई स्कूल से मैंने पास किया है मैट्रिक। उसके बाद में मैं रॉबर्टसन कॉलेज में एमएससी करने के इरादे से आगे बढ़ा और मैंने 1958 में एमएससी पास किया। आई एज ए साइंटिस्ट आई परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड दैट एक्सपेरिमेंट दैट प्रोसेस ऑफ हाउ इट हैपेंस कैन आई अप्लाई इट टू द सोसाइटी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। बीड़ी बना करके सिर पर पहाड़ से लकड़ी काट करके बेच करके ट्यूशन करके मैंने अपनी पढ़ाई हाई स्कूल की और कॉलेज की। मेरी माँ जब मैं 8 साल का था तभी ख़त्म हो गई। मेरे पिता भी जब मैं 10 साल का था तब वो भी ख़त्म हो गए। मेरा यूपीएससी दिल्ली से सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद मेरी पोस्टिंग जो है वो सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट में असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट के रूप में हुई। मैं एक ही साल वहाँ रहा। उसके बाद मैं फिर मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैं जर्मनी चला गया और मैंने एक विशेष टेक्नोलॉजी पर काम किया था जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलते हैं सिंगल वायर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो उस सिस्टम को मैंने जर्मनी में प्रोफेसर माइनके के अंडर में मैंने उसका काम किया था। वो काम को देख करके 4-6 महीने के बाद उन्होंने उनके जो मैनेजर थे उन्होंने कहा आप हम डिफेंस प्रोजेक्ट में आपको डालना चाहते हैं, आप यहाँ की सिटीजनशिप ले लीजिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। मैंने कहा साहब मैं कार्य तो करूंगा मगर मैं सिटीजनशिप नहीं, मैं तो हिंदुस्तान लौटूंगा। द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया आर्यभट्ट वॉज लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1975। आई टुक दिस सैटेलाइट फ्रॉम इंडिया एज ए लीडर ऑफ द टीम टू मॉस्को